शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा। हेलो गाइस, वेलकम बैक जैस्मिन ब्लॉग। आई होप यू फाइन। हम दिले यहाँ पर मैं अच्छी, आप सब भी अच्छे होंगे। और आपको आज इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ अपनी शादी की एल्बम, जिसमें मेरे हस्बैंड के साथ फोटो हैं वो मैं कम दिखाऊंगी, और जो मेरे हैं वो दिखा दूंगी मैं इसके अंदर, क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है। तो यहां से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, पूरी फुल वॉच करना। आई होप आपको अच्छी लगेगी। और ये जो वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके अंदर मैंने उबटना मेहंदी के फोटो हैं और मेरी शादी के फोटो हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फिर लोगों को वीडियो भेजेंगे टाइम, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आपको एक बात और बता दूँ कि इसके अंदर जो शादी के पिक्स हैं उसके साथ मेरी सिस्टर के भी होंगे, लेकिन वो मैंने हाइड कर दूंगी मैं, क्योंकि मेरी सिस्टर की मेरे साथ ही हुई थी शादी, हम दोनों के साथ हुई थी, अर्शी की और मेरी। तो सिर्फ मेरे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये पहले उबटने मेहंदी की फ़ोटो बता रही हूँ मैं आपको। ये जो उबटना मेहंदी है घर से ही हुआ था, हमारे भारी एरिया था, लाड़पुरे वाला घर था, तो वहाँ से हुआ था। तो मैंने इसी गोल्डन कलर का लहंगा पहना था। यहाँ पर मैं बैठी थी और मेरे साथ में मेरी सिस्टर है अर्शी, जिसकी भी शादी हुई थी साथ में। और ये पास में जो मेरी है बंदिया के, मेरी फ्रेंड थी ये। तो इस तरीके से मेरे को लेंस लगाने का बहुत शौक था, तो ब्लू कलर की मैंने इसके अंदर लेंस लगा रखी थी। जो लहंगा पहन रखा है ये भी मेरे ससुराल की तरफ से आया था, तो मैंने वही वियर कर रखा है। और यहाँ पर मैं रो रही थी क्योंकि चच्ची मेरे को माला पहना रही थी और मुझे रोना आ गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा सैंडी से हो गया था मुझे कभी रोते हुए। तो यहाँ पर बस जो दस्तूर होता है उबटना मिनी में, बस वही हो रहा है। धीरे धीरे को सब माला पहना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, और यहाँ पर मैं रो रही हूँ। तो ये सब हो रहा है यहाँ पर। और जो 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 भी क्लिप है मैंने सब इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और एक्स्ट्रा जो थे मैंने निकाल दिए क्योंकि मुझे अलाउ नहीं था, तो इसके अंदर मैंने इसलिए नहीं डाले हैं। और आई होप आपको ये पसंद है। ये मेरे पापा हैं, और येलो जो उसमें खड़े हुए हैं मेरी चच्ची थी और वो मेरे चाचू थे, और ये मेरे पापा है, मेरी फुप्पी है, और मेरी बहन है असमा, जो अभी बदल चुकी है। ये बहुत पुराने फोटो है, सॉरी। तो ये मेरे चाचू हैं और अर्शी और मैं हूँ साथ में। मेरे चाचू जो हैं उनका भी इंतकाल हो चुका है, मेरे पापा जो हैं उनका भी इंतकाल हो चुका है, तो दोनों का इंतकाल हो चुका है। और ये मेरे शादी के पिक हैं, और मैंने सारे ले लिए थे, मैंने जो हो सकता है मैंने वो अपलोड कर दिए हैं इसके अंदर। और ये मेरे उबटना मेहंदी के दूसरे दिन के फ़ोटो हैं, जिस दिन मुझे पार्लर जाना था तो उसी दिन का फ़ोटो है। ये भी मेरे चाचू ने खिंचवाए थे, ऊपर ले जा गया कि तुम खिंचवा लो, तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा फिर। तो ये खिंचवा लिए थे शादी से पहले ही मैंने, ये रेड जोड़ा पहन के और चूड़ा पहन के, ये मतलब शादी नहीं हुई थी उससे पहले ही खिंचवा लिए थे मैंने ये पहन के सब, कि तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा था, तो इस चक्कर में मैंने खिंचा लिए थे। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, पहले मैं इतनी पतली हुआ करती थी, लेकिन अब मैं थोड़ी हेल्थी हो चुकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पतली थी मैं यहाँ पर। और मेहंदी मेरी इतनी अच्छी रची थी ना, वो भी पापा के दोस्त की वाइफ ने लगाई थी, बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाई थी, 1 मंथ तक रही थी, और उन्होंने ही मेहंदी का पेस्ट भी बनाया था। और यहाँ पर बारात आ चुकी है तो उसका वेट करें, सब माला लेके फुप्पियाँ और रिलेटिव्स मेरे सारे जितने भी थे, तो ये सारे देख लीजिए। और ये मेरे पापा हैं और ये नईमुद्दीन गुड्डू में, तो वो हैं साथ में। और ये शादी बहुत ही अच्छी हुई थी, SGN से हुई थी, बहुत ही अच्छी शादी हुई थी, काफ़ी टाइम हो चुका है, 2009 में हुई थी आई थिंक, तो तब का ये है। हंस दिया वो लगती पंजाब दिया, किसी हिसाब ना थक दिया।
तो यहाँ पर बारात आ चुकी है, तो अब अंदर एंट्री हो रही है। और जो दहेज तो मैंने भी आपको उसके अंदर दिखाई दिया है, और ये सब खड़ी हुई हैं यहाँ पर, फुप्पियाँ वेट कर रही हैं, तो वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। मेरे चाचू भी खड़े हुए हैं, और ये मेरी दादी है, और ये सारे जितने भी मेंबर थे आए हुए थे सब वहाँ पर खड़े हुए, माला ले लेके वेट कर रहे थे बाहर ही। और ये मेरे पापा वाइट शेरवानी में और येलो शेरवानी में मेरे चाचू थे जो आपको दिखे थे, और बाकी जो मेरी फुप्पियाँ खड़ी थी वहाँ पर, और ये मैं हूँ आपको दिखी गई हूँ मैं। और ये मेरे पहले की फ़ोटो खिंचवाया था मैंने शादी से पहले की। और ये मेरे पापा बीच में, उनके आसपास जो खड़े हैं उनके फ्रेंड हैं। और अब आ जाते हैं, ये निकाह का है मेरा जिसमें मैंने सिग्नेचर करे थे, तो तब का ही है मेरा ये निकाह कबूल जहाँ पर मैंने करा था, तो तब का ही फ़ोटो है। पार्टी हो रही है किसकी, आपकी? तो अभी जस्ट मैंने पूरी सफाई करी है, शाम का टाइम हो रहा है मगरिब का, पूरा धो दिया है मैंने। और अभी मैं किचन में बना रही हूँ कड़ी पकौड़ी, ये पकौड़ी की पेस्ट बना लिया मैंने प्याज का और इसका, और यहाँ पर कड़ी बन रही है। और बर्तन मैंने पूरे धो दिए हैं, और आरओ भी भर दिया है मैंने। हाँ वो जा गीली कर, कपड़े बहुत गंदे हो रहे हैं तेरे, वो बदल ले कपड़े। ऐसी आवाज आ रही है जैसे जंगल में आती है ना, वैसी आवाज आ रही है, सी सी सी। लीफो आओ, लीफो ये जीत गई यहाँ पर कड़ी। अभी मैं काट दूंगी, कल सुबह काटूंगी, अभी तो मैं ना वो बना रही हूँ खाना, और चावल बनाना। हाँ यहाँ आके बैठ गई महारानी साहब, ये पट्टी पे आके कुछ ना कुछ गिराती गिराती है, जरूर ये काम करती है। अभी मैंने बेसन रख रखा है पूरा, बेसन मत गिरा देना, नहीं तो इतनी सी कड़ी पकौड़ी को ले 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 खांदे तो उसमें डलेगी ना वो पकौड़ी कड़ी में। अब चावल बना रही हूँ मैं, जल ही नहीं रहा, तो चावल डाल दूँ मैं। ओ नहीं भैया, बाबा बन रही है बस, शक्त तो पूरी खा जाए, पूरी खा रही है, पूरी खा रही है, गंदगी कर रही है। अब मैं क्या कर रही हूँ, पकौड़ी खाने के लिए बाहर में आ रहा हूँ, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इसके अंदर डाल दूंगा। क्या चाहिए तेरे को? अच्छी बनी थी क्या जो? और क्या डाल दे, ऐसे डाल दे, यू बन जाती होगी पकौड़ी। हाँ डाल, पेट भर के खिला, पेट खिला। देखो चावल बन रहे हैं तुच्छे आपके, और कड़ी भी यम यम यम। ऐसी जिद पूरी करती है, अच्छी लगी इसमें भी। हाँ हो दो, हाँ आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना, और नेक्स्ट कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी लेके आऊँ। आज के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।